तो दोस्तों फाइनली बहुत दिनों के पश्चात मालदीव से भारत के लिए कोई अच्छी खबर निकल के सामने आई है और यह खबर इतनी अच्छी है कि चीन का समर्थन करने वाले मोहम्मद मोइजू की अब कुर्सी भी खतरे में पड़ने वाली है। दरअसल आप सभी को तो पता ही है कि अभी मालदीव के अंदर चीनी समर्थित मोहम्मद मोइजू की सरकार बन गई है, जिसके बाद इन्होंने आते ही भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो इन्होंने चुनाव इसी शर्त के ऊपर जीता था कि जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे तो भारतीय सेना को मालदीव से बाहर निकालेंगे और मालदीव के अंदर जो भारतीय सेना के 77 सैन्य कर्मी हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया भी इनने स्टार्ट कर दी है। परंतु अब मोहम्मद मोइजू के भी बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनकी जो पार्टी है जिसका नाम प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव है, उसके एक बड़े नेता जिसका नाम अब्दुल्ला यामीन है, जो कि मालदीव के पूर्व चीनी समर्थक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने अब यह फैसला लिया है कि वो मालदीव की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, जो कि इस समय मालदीव के अंदर सत्ता में है, उससे अपना समर्थन वापस लेकर अपना अलग से राजनीतिक दल का निर्माण करेंगे। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो। और ऐसा हाल इसलिए प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव का हो रहा है क्योंकि पार्टी के कई सारे सदस्यों ने मोहम्मद मोइजू के ऊपर पार्टी का नेतृत्व जबरन अपने हाथों में लेने का आरोप लगाया है। यानी मोहम्मद मोइजू पार्टी का पूरा कमांड और कामधाम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जबकि अब्दुल्ला यामीन ऐसा बिल्कुल भी होना देना नहीं चाहते। और यदि ऐसा हो जाता है तो मोहम्मद मोइजू की कुर्सी के ऊपर भी बड़ा खतरा मंडरा जाएगा। फिलहाल में आप सभी को क्या लगता है और मालदीव के अंदर जो मालदीव के चीनी समर्थक राष्ट्रपति के साथ हो रहा है वो क्या इनके साथ सही हो रहा है? कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।